हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रॉम एकेडमी। एग्जाम फ्रॉम एकेडमी के इस वीडियो में हम आप तक जीके, आरआरबी, लोको पायलट और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन ला रहे हैं। इसमें मैंने 100 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, जो कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आरआरबी, लोको पायलट और ग्रुप डी से लिए गए हैं। और मैंने बहुत से क्वेश्चन जीके से रिलेटेड आरआरबी ग्रुप डी के लिए अपलोड कर चुका हूँ। आप उनको एग्जाम फ्रॉम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और मेरा डेली करंट अफेयर वीडियो 8 से 9 के बीच में अपलोड हो जाता है, उसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैं डेली के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपलोड करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? उत्तर होगा अमेजन नदी। अमेजन नदी संसार की सबसे गहरी नदी है। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? उत्तर होगा भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरप्रसाद चौरसिया एक विश्व प्रसिद्ध थे। हरप्रसाद चौरसिया एक विश्व प्रसिद्ध थे, क्या थे? उत्तर होगा बांसुरी वादक। हरप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक एक विश्व प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, काकातिया शासक कहाँ का था? काकातिया शासक कहाँ था? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। काकातिया शासक आंध्र प्रदेश से था। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली जो कि असम में स्थित है, किस नदी पर है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह जो कि मजुली असम में स्थित है, किस नदी पे? उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो जिसका नाम मजुली है, असम में स्थित है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला क्वेश्चन, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? उत्तर होगा बाज बहादुर से। मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का गवर्नर कौन था? 1857 के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का ब्रिटिश गवर्नर था 1857 के विद्रोह के समय। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध कौन सी नदी पे और कहाँ स्थित है? टिहरी बांध कौन सी नदी पे और कहाँ स्थित है? उत्तर होगा भागीरथी नदी उत्तराखंड में। भागीरथी नदी उत्तराखंड पे टिहरी बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन, एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित? उत्तर होगा पेरिस में। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या है? उत्तर होगा मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन, कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? उत्तर होगा पंपा। कन्नड़ भाषा के आदि कवि पंपा थे। अगला क्वेश्चन, मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितने बार नोबेल पुरस्कार मिला है? मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला? उत्तर होगा 2 बार। मैडम क्यूरी को 2 बार विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, 1 बार फिजिक्स में, 1 बार केमिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ा द्वीप कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? उत्तर होगा ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन, जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? उत्तर होगा गांधी जी ने। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी? उत्तर होगा भीम बेटिका। भीम बेटिका भारत की सबसे पुरानी गुफा है। अगला क्वेश्चन, काराकोरम हाईवे किसे जोड़ता है? काराकोरम हाईवे किसे जोड़ता है? उत्तर होगा पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान और चीन को काराकोरम हाईवे जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर होगा ऑक्सीजन एवं नमी। ऑक्सीजन एवं नमी के कारण लोहे में जंग लगता है, और जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप का मान कितना होता है? अब उत्तर हो जाएगा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस जरूर याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला कौन सा स्थान है? मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा? उत्तर हो जाएगा यकृत। यकृत में मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा? उत्तर हो जाएगा दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर विश्व में सबसे बड़ा सागर है। अगला क्वेश्चन, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? उत्तर होगा मध्य एशिया से। आर्य लोग मध्य एशिया से भारत में आए हुए थे। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जिसने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे जिसने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? उत्तर होगा हैरी ट्रूमैन। हैरी ट्रूमैन ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय जब जापान पे
परमाणु बम गिराया गया था और इन्होंने ही आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित? उत्तर हो जाएगा देहरादून। देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है वहाँ पर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना होता है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना होता है? उत्तर होगा 70 मिनट। 70 मिनट अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का समय होता है। अगला क्वेश्चन, बैटरी में सामान्यतः कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? बैटरी में सामान्यतः कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? उत्तर हो जाएगा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को हम बैटरी में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की इकाई क्या होती है? ध्वनि की इकाई क्या होती है? उत्तर हो जाएगा ध्वनि की इकाई डेसीबल होती है। डेसीबल ध्वनि की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 24 के तहत क्या कहा गया है? अनुच्छेद 24 के तहत क्या कहा गया है? उत्तर होगा बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा अकबर ने। अकबर ने भारत में सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया था। ये थे हमारे 100 प्रीवियस ईयर ग्रुप डी और लोको पायलट के जीके क्वेश्चन। अगर आपको और जीके क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और एग्जाम फॉर्म अकेडमी सर्च करके हमारा चैनल आएगा। आप वहाँ जीमेल साइन इन करके हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस जीके, राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए जीके और करंट अफेयर ग्रुप डी ALP के लिए जीके और करंट अफेयर मैं अपलोड करता रहता हूँ। अगर ऐसे वीडियो आप चाहते हैं तो मेरा चैनल एग्जाम फ्रॉम अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।